हम लोगों का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था, 27 तारीख को हम लोग महा धरना पर बैठेंगे और बारिश से भी काफी लोग आए। ये मजबूरी में हम लोगों को आज का दिन मुकर्रर करना पड़ा, क्योंकि राज्य अलग होने के बाद बहुत सरकारें बनी और हम लोगों की सरकार बनी और जिसका मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। इस पर लोगों को बहुत विश्वास था, झारखंडियों को पूरा विश्वास था और चुनाव के पहले भी हम लोगों ने नारा लगाया था कि अब की बार हेमंत सरकार तो बनी। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों का जो अधिकार है ये सरकार विफल रही। अभी ना SC ST एक्ट को धारा तल पर उतारा सकता और न SPT एक्ट को उतार सकता। ये पी पैसा एक्ट जो केंद्र ने 1996 में दिया और बिहार के टाइम में भी वहाँ बिहार सरकार ने संकल्प भी जारी कर दिया था जिसके लोगों ने दाब के रखा। तो जब बिहार ने संकल्प जारी किया पी पैसा एक्ट का तो झारखंड सरकार को उसको हूबहू उतार देना चाहिए था और केंद्र सरकार ने जो पी पैसा एक्ट दिया था उसमें जो 23 उपबंध है हूबहू वही चाहिए हम लोगों को। लेकिन ये सरकार अभी इसको पब्लिक डोमिनेट में भेजा है। अरे पब्लिक डोमिनेट में भेजने का क्या अधिकार है? लोगों को छलने का काम किया जा रहा है। अगर इच्छा शक्ति है, अभी भी इच्छा शक्ति है, तो हेमंत सोरेन पी पैसा जो केंद्र के द्वारा जो लागू किया गया था और उसको तो 1 साल के अंदर में किसी भी तरह का संशोधन या रिपील कर सकते थे, लेकिन वो तो पार हो गया। तो उसमें बिहार सरकार ने जब संकल्प जारी किया तो सेम वही चीज इस सरकार को करना चाहिए। ये तो एक तरह से लोगों को मैंने टहला दिया जा रहा है कि हम इस पर कुछ कर रहे हैं। हमारा भी असेंबली में हमारा भी क्वेश्चन भी आया था और क्वेश्चन में जवाब मैंने 3-3 मंत्री लेकर दे रहे थे और जवाब में यही दे रहे थे कि अभी बहुत विभाग का नियमावली आया है, बहुत विभाग का नियमावली नहीं आया है। अरे नियमावली क्या बनाओगे तुम? जब बना बनाया नियमावली है तो उसी के मुताबिक करो तुम। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए और आज महामहिम राज्यपाल के पास भी जाने की बात हो रही है, हम लोग जाएंगे। और कहां जाना है इसके बाद? अभी असेंबली करके महामहिम राज्यपाल से क्या आग्रह किए हैं, एक दिन हम लोग के लिए समय आप हमें दें ताकि इस बात से हम वाकिफ कराएं। क्योंकि ये शेड्यूल एरिया का मालिक राज्यपाल, तो हम इनसे आग्रह करेंगे कि भाई ठीक है, यहाँ तो अभी पी पैसा एक्ट तो लागू नहीं हुआ और यहाँ पर जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जाके महामहिम से कहेंगे कि भाई आप इसको जिस तरीके से भी इसको करिए और नहीं तो फिर हम लोग राष्ट्रपति के पास जाएंगे। आपने कहा कि पूरे प्रदेश में घूमेंगे, कब से ये प्रोग्राम चलेगा? आप तो चलेगा, आप तो खूब व्यापक खत्म हो गया, ये चलेगा मेरा। अभी 23 तारीख को है, 23 तारीख को है हमारा राजभवन, फिर वहाँ से और दूसरी जगह बनाएंगे। सरकार बोल रही है कि लोविन हेम्ब्रम विपक्ष के बोल रहे हैं, पागल हो गया है क्या जो बोल रहा है इस तरह का? उसको काके भेज देंगे, अपना इलाज करा लो, इस तरह का बात बोल रहा है? क्यों हम बीजेपी के बात बोलेंगे यार? मैं आपको साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ, न कांग्रेस में जाएंगे, न बीजेपी में जाएंगे और न झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे। जिस पर विश्वास था दगा दे दिया, हम क्यों इसके पीछे घूरेंगे? लोगों को जागृत करेंगे तो अधिकार लेके लड़ाई लड़ेंगे, देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में दिखेंगे दिखेंगे, वो तो आप पहले भी बोले, अगर लोग चाहेंगे तो वहाँ भी दिखेंगे। डुमरी उपचुनाव में किधर समर्थन करने जाइए? डुमरी उपचुनाव हम तो बार पहले ही श्रद्धांजलि जब हमने दिया, हमने उसी समय कहा था कि इसमें जो उपचुनाव होगा उसमें किसी भी दल को कैंडिडेट नहीं उतरना चाहिए, इसीलिए यही वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो फिर आप हम तो बोलिए दिए अभी तो गैर राजनीतिक संगठन है, इसी के बाद अभी चलेगा, जरूरत पड़ेगा लोग चाहेंगे तो देखा जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।